विधानसभा इटारसी आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर में के तत्वाधान में होने वाली बैठक आज तिलक सिंदूर प्रांगण के घने जंगलों में हुई। समिति के लोगों ने बताया कि जंगलों के हरे भरे वृक्ष पेड़ पौधों को बचाना है, नहीं तो ऑक्सीजन की मात्रा एवं वर्षा कम होगी, जिससे व्यक्ति एवं जंगलों के जीव जंतु ऑक्सीजन के लिए तरस जाएंगे। लेकिन तिलक सिंदूर के आसपास घने जंगलों को उजाड़ने में लगे वन सखिल जमानी हरे भरे वृक्षों को बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन लोगों के ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है। समिति के अध्यक्ष बलदेव तेकाम ने बताया है कि भले ही प्रशासन की लाठी खाना पड़े, लेकिन वृक्षों को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। हम भूख हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे। सिवनी मालवा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोताचिकली से जुड़े आसपास के गांव समिति के पास समस्या लेकर पहुंचे नाम धोल सिंह इरपाचे ने बताया है कि बोरकुंडा एवं ग्राम पंचायत सोताचिकली में लगभग 250 शौचालय 3 वर्षों से अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन सरपंच सचिव बनाने को तैयार नहीं है। गांव के लोग खुले में करते हैं शौचालय का प्रयोग एवं कई वर्षों से कूपन नहीं है, जिससे अनाजों से तरस रहे हैं। तत्काल प्रशासन को इनकी कार्रवाई करना चाहिए और इन्हें बराबर अनाज मिलना चाहिए, जिससे अपना जीवन यापन कर सके। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ होशंगाबाद से कैमरा में विश्वजीत गौर के साथ प्रवीण गौर, खास रिपोर्ट। हम बताया अपना, मेरा नाम जितेंद्र इब्ने है, सचिव आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर। आज आदिवासी सेवा समिति की साप्ताहिक बैठक की गई जो कोरोना काल के कारण हुई है, और आज हमारे बीच में जो आसपास की समस्या लेकर उपस्थित हुए हैं बोरकुंडा सोताचिकली ग्राम पंचायत के सदस्य, जो कि हमें अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं। उनके यहाँ शौचालय से लेकर पात्रता पर्ची तक उन्हें आज तक प्राप्त नहीं हो पाई, जबकि उनका जो समग्र आईडी से नाम जो है 6 साल पहले कट चुका है और अभी तक उनको पात्रता पर्ची नहीं मिली है, ना ही उनके पास अभी शौचालय बन पाए हैं। इसके लिए हम उनको एक समिति की एक टीम स्वयं जाएगी और सरपंच सचिव से ये बात करेगी कि आप आज तक इनको ये न्याय क्यों नहीं मिल पाया है। इस संबंध में हमारे साथ जो उपस्थित हैं अपनी समस्या लेकर आए हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने मुंह से अपनी बात बताएं। बोलो, नाम बताएं अपनी, क्या समस्या है? मेरा नाम ढोल सिंह रिपाचे है, ग्राम बोरकुंडा का रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत सोताचिकली जी। मैं जो समस्या है शौचालय एवं खाद्यान्न पर्ची वगैरह इनके, जो कि बहुत पहले से ही, साल भर पहले से ही तहसीलदार साहब के साइन द्वारा उनको राशन कार्ड मिल चुका है, इसके बाद भी ग्राम पंचायत सचिव खाद्यान्न पर्ची देने के लिए बहुत परेशान कर रहा है। कम से कम 2-3 साल बीत चुके हैं, अभी तक खाद्यान्न पर्ची नहीं मिली है। अपने गांव में जो शौचालय बने हैं वो अभी कितने अधूरे रह गए हैं? शौचालय अभी कम से कम हमारे गाँव में 250-300 बने हैं, जिसमें से चालू तो एक भी नहीं है। शासन ने बनाई तो है पर वो चालू नहीं है, अधूरे बने हुए हैं। क्या चाहते हो आप? हम जो चाहते हैं कि शौचालय पूर्ण रूप से कंप्लीट किया जाए।